रात के समय अघोरी तंत्र विद्या का चक्र बनाकर मंत्र पढ़ता है। हीम श्रीम ओम नमो भूत प्रेत पिशाच राक्षस अधिकम मारे महामारेश्वर रुद्रावतार ओम फट स्वाहा, और मंत्र पढ़कर अपने सामने बैठी दो औरतों के ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं। जैसे ही औरतों पर भभूति पड़ती है, उनके शरीर से चुड़ैल की आत्मा निकल जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद अघोरी उन दोनों औरतों की सास कौशल्या से बोलता है, अब तुम अपनी दोनों बहुओं को यहां से ले जा सकती हो। मैंने उनके शरीर से चुड़ैल की आत्माओं को निकाल दिया है। अब वो दोनों चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। अगर आप नहीं होते तो वो आत्माएं मेरी बहुओं को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती। जिसके बाद कौशल्या अपनी दोनों बहुओं को वहां से लेकर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन शाम के समय प्राची और रीना बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही होती कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तभी वो दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे रुक जाती हैं, जिस पेड़ के ऊपर दो चुड़ैल बैठी होती हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, हमें हमारा नया घर यानी कि नया शरीर मिल गया, अब हम इनके शरीर में बसेरा करेंगे। सही कहा, चलो देर ना करते हुए उनके शरीर में घुस जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल प्राची और रीना के शरीर में घुस जाती हैं। तभी बारिश रुक जाती है और दोनों बहनें घर चली जाती हैं। खाना खाकर वो दोनों सो जाती हैं। जब रात के 12 बजते हैं, तभी अचानक से प्राची और रीना की आंख खुलती है। उनकी आंखें एकदम खून की तरह लाल होती हैं और वो अपने घर से बाहर निकलती हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर प्राची बोलती है, मिल गया हमें शिकार, अब हम इसे मारकर अपनी भूख मिटाएंगे। हंसी की आवाज सुनकर आदमी इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर दो चुड़ैल पर पड़ती है। उस भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल को देखकर आदमी भागने लगता है, लेकिन तभी प्राची अपने हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेती है और हवा में उठाकर बोलती है, हमें देखकर भाग रहा था, आखिर कब तक कोई अपनी मौत से भाग सकता है। ले, हमने तुझे पकड़ लिया, अब कहां भाग कर जाएगा। मुझे मत मारो, भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो मुझे यहाँ से। नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे छोड़ दिया तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। और तुझे क्या लगता है, हम तेरी इंसानी बातों के जाल में फंस जाएंगे, कभी नहीं। जिसके बाद प्राची उस आदमी को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर दोनों से खाकर वापस घर चली जाती है। ऐसे ही एक रात जंगल से दो लोग काम पर से घर लौट रहे थे। तभी ऋषभ बोलता है, ये रात का मौसम कितना सुहाना होता है ना, मीलों का सफर घंटों में तय कर लेते हैं। सही कहा तूने, वैसे हम एक और चीज कर सकते हैं जिसे ये घंटों का सफर भी मिनटों जैसा लगेगा। वो कैसे? गाना गाते हैं, इससे रास्ता भी कट जाएगा और मनोरंजन भी हो जाएगा। सही कहा तूने, चल गाते हैं। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे चांद प्यारा प्यारा। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए, जीवन के सफर में सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। लगता है आज हम दोनों को मिसेज मिलने वाली है। क्या मतलब है तेरी इन बातों का? जरा उधर उस पेड़ के नीचे देख, कितनी सुंदर लड़कियां खड़ी हैं, चल उनके पास चलते हैं। इतना बोलकर ऋषभ और शिवा उन सुंदर लड़कियों के नजदीक जाने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते उन सुंदर लड़कियों का चेहरा एक चुड़ैल में बदल जाता है और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये सब देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तभी रीना बोलती है, आ गया हमारा शिकार, और वो भी एक साथ दो शिकार, आज तो हमारी शाही दावत है, मजा ही आएगा तुम्हें खाकर। हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, जाने दो हमें यहाँ से। छोड़ दो हमें, हम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते, अभी तो हमने अच्छे से दुनिया भी नहीं देखी है। इनकी बातों भी टाइम कोटा मत कर, और मुझे इन्हें जल्दी से खाने दे, ताकि मैं इस शाही दावत का लुत्फ उठा सकूं। हाँ क्यों नहीं, नेक काम में देरी कैसी। जिसके बाद प्राची और रीना उन दोनों को मारकर खा जाते हैं। अगले दिन सुबह उनकी लाश गाँव वालों को मिलती है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और वहां पर गाँव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
तभी गांव का मुखिया बोलता है, कुछ दिनों से हमारे गांव में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और इस तरह लाशों का मिलना अशुभ संकेत की निशानी है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रेत आत्माओं ने इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई हो। मुझे जल्द से जल्द अघोरी बाबा से इस विषय पर चर्चा करनी होगी। इतना बोलकर मुखिया अघोरी बाबा के घर उनसे मिलने जाता है और उनसे बोलता है, बाबा अचानक से गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं। इससे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और उनका मानना है कि ये किसी आत्मा या चुड़ैल का काम है। अब आप ही इस रहस्य का पता करिए कि कौन लोगों को मारकर खा रहा है। तुम परेशान मत हो, वो जो भी कोई है मेरी शक्तियों से नहीं बचेगा। मैं आज रात ही पता करता हूं कि वो कौन सी आत्मा है। जैसे ही रात होती है, प्राची और रीना फिर से अपने शिकार पर निकल पड़ती है और एक इंसान को पकड़कर उन्हें मारने लगती है। तभी उस इंसान की चीख निकलती है और वो चीख अघोरी सुन लेता है और उस आवाज का पीछा करते हुए वो वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे वहां कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखकर अघोरी हैरान हो जाता है और बोलता है, हे भगवान, ये दोनों तो मेरी बेटियां हैं जो इंसानों को मारकर खा रही हैं। इसका मतलब किसी चुड़ैल ने इनके शरीर के अंदर बसेरा कर लिया है। मुझे जल्द से जल्द अपनी बेटी को चुड़ैल के चंगुल से मुक्त कराना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतना बोलकर अघोरी उनके पास जाता है और उनके ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंक देता है, जिससे दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। जिसके बाद अघोरी तुरंत से उनके चारों ओर एक गोल चक्र बना देता है ताकि चुड़ैल उस घेरे से बाहर न निकल सके। तभी अघोरी बोलता है, कौन है तू और क्यों तूने लड़कियों के शरीर में बसेरा कर रखा है? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे इसी वक्त जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, और इन दोनों की आत्मा को अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। तू ऐसा क्यों कर रही है चुड़ैल? आखिर तेरा इन लड़कियों ने क्या बिगाड़ा है? इन लड़कियों ने नहीं बल्कि तूने बिगाड़ा है, और उसका बदला हम तेरी इन दोनों बेटियों से ले रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। शायद तूने हमें पहचाना नहीं। याद कर वो काली रात जब तूने हमें कौशल्या के बहुओं के शरीर से निकाला था, तभी हमने कसम खाई थी कि तुझसे बदला लेकर रहेंगे। और फिर एक दिन जब हम पीपल के पेड़ पर बैठे हुए थे, तभी तेरी दोनों बेटियां उस पेड़ के नीचे खड़ी थी, और इस चीज का फायदा उठाकर हमने तेरी बेटियों के शरीर में प्रवेश कर लिया। और अब हम तेरी बेटियों की आत्मा को अपने साथ लेकर जाने जा रहे हैं। रोक सकता है तो रोक ले अघोरी। मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटियों को मत दो, उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं आत्माओं को भगाने का काम भी छोड़ दूंगा। अघोरी को रोता हुआ देखकर चुड़ैल को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो दोनों उनकी बेटियों के शरीर को छोड़कर वहां से चली जाती है, और वादे के मुताबिक अघोरी भी आत्माओं को भगाने का काम छोड़ देता है। आई माँ, आप कोई मदद करो। हे भगवान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक सुमित्रा नाम की औरत अपने घर के अंदर जोर जोर से मदद की पुकार मांगती रहती है। सुमित्रा गर्भवती थी और कुछ ही देर में वो एक नन्हे से बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उस दिन उसके घर पर कोई भी नहीं होता और वो ऊपर वाले को याद कर रही होती है। हे ऊपर वाले, रक्षा कर, मुझे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आई, बहुत दर्द हो रहा है। सुमित्रा घायल थी और बहुत ही ज्यादा पीड़ा में थी, जिसकी वजह से वो बस बेहोश होने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है और खिड़की दरवाजे से बहुत तेज हवा आने लगती है। तभी सुमित्रा के सामने एक चुड़ैल प्रकट होती है। कुछ नहीं होगा, जब तक इस गांव में मैं हूँ किसी भी गर्भवती औरत को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। सुमित्रा थोड़ी सी बेहोश हो चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदद करने आखिर कौन आया है। तभी चुड़ैल बाहर से एक रिक्शा लेकर आती है और सुमित्रा को रिक्शे में बिठाकर रिक्शा चलाते हुए ले जाने लगती है। सब्र रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही तुम्हारे बच्चों को मैं कुछ होने दूंगी। बस थोड़ी ही देर में हम दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। जैसे ही चुड़ैल सुमित्रा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, वो सुमित्रा को व्हील चेयर पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगती है। हॉस्पिटल के अंदर जो लोग चुड़ैल को देखते हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं।
लेकिन फिर भी चुड़ैल सबसे पहले सुमित्रा को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जैसे ही डॉक्टर चुड़ैल को देखता है वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल डॉक्टर से कहती है, देखो देखो डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन इस औरत को और इसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, जल्दी से इसका इलाज करो और इसकी डिलीवरी करो। चिंता मत करो, इस औरत को कुछ नहीं होगा, लाओ इसे मुझे दो। डॉक्टर सुमित्रा को डिलीवरी कक्ष में ले जाता है, जिसके बाद सुमित्रा की डिलीवरी होनी शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में एक नन्हे से बच्चे की आवाज आती है, जिसके बाद डॉक्टर बच्चे को अपनी गोद में लेकर डिलीवरी रूम से बाहर आते हैं और चुड़ैल को दिखाते हुए कहते हैं, बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, आपने सही वक्त पर बहुत अच्छा किया, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो बच्चा और उसकी माँ दोनों को खतरा था। चुड़ैल उस बच्चे की शक्ल देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुमित्रा की डिलीवरी के बाद पूरे गांव में चिंगारी की तरह फैल जाती है और सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। अरे दीदी तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ? अरे मेरे पति ने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो सुमित्रा बहन है ना, उसकी डिलीवरी एक चुड़ैल ने करवाई है। रात को एक चुड़ैल आई और उसे रिक्शे पर बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। अरे हाँ आरती, मैंने भी ये खबर सुनी थी लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, अब तू बता रही है तो सब कुछ सच ही होगा। चलो ना सुमित्रा के घर चलते हैं और उसी से सब कुछ पूछ लेते हैं। तभी वो दोनों सुमित्रा के घर पहुंच जाते हैं और उसके हाथ में उसके मुन्ना को देखकर वो दोनों उससे पूछती हैं। अरे सुमित्रा बहन, हमने तेरे बारे में कुछ सुना है, क्या ये बात सच है कि एक चुड़ैल ने तेरी डिलीवरी करी है? ये भी कितनी अजीब बात है, चुड़ैल तो इंसानों को खाती है ना, तो फिर वो किसी की मदद कैसे कर सकती है? मैं नहीं जानती कि वो कोई चुड़ैल थी या फिर कोई इंसान, लेकिन उस समय जिसने भी मेरी मदद की वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से बढ़कर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत थी जो कि इस गांव में किसी भी औरत या मर्द के अंदर नहीं है। सुमित्रा की बात सुनने के बाद आरती और गायत्री को उसकी बात चुभ जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से दुम दबाकर भाग जाती हैं। वहीं जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, रात के समय एक अंजलि नाम की लड़की अपने घर में खाना बना रही थी। वो अभी गर्भवती थी और उसको उसका पांचवा महीना चल रहा था। तभी अचानक से उसका पति कैलाश शराब के नशे में धुत घर पर पहुंच जाता है और अंजलि से कहता है, अरे ओ करमजलि, अरे तू तो मनहूस है मनहूस, जब से मेरी जिंदगी में खत्म रखा है सारा बर्बाद ही होता जा रहा हूँ, मैं तुझे और इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तू अपनी इस नाजायज औलाद को यहाँ से लेकर दफा हो जा। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरी कोख में पलने वाला बच्चा आप ही का बच्चा है, फिर आप उसे नाजायज कैसे कह सकते हो? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे बहस करेगी? रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर कैलाश अपने पास रखे एक डंडे को उठाता है और अंजलि को मारने लगता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के ऊपर तो रहम करो, कितने जालिम हो तुम। कैलाश उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारता रहता है। इतनी पिटाई के बाद वो बेचारी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। तभी अचानक से वहां पर चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक औरत के ऊपर हाथ उठाएगा, तुझे इतनी भी शर्म नहीं है कि वो बेचारी अभी गर्भवती है और तू उसे मार रहा है? चुड़ैल की आवाज सुनने के बाद कैलाश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो नशे की हालत में कहता है, अरे कौन है यार, सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ। तभी वो चुड़ैल कैलाश के सामने प्रकट हो जाती है और जिस डंडे से कैलाश अंजलि को मार रहा था, चुड़ैल उसी डंडे से कैलाश की पिटाई करनी शुरू कर देती है। छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। नहीं छोड़ूंगी, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग बहुत ही बुजदिल हो, तुम्हारी वजह से पता नहीं कितनी औरतें अपनी जान दे देती हैं और या फिर तुम्हारे अत्याचारों को सहते सहते ही मर जाती हैं, लेकिन अब कोई औरत के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल कैलाश को जान से मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल अंजलि को उठाती है और उसे रिक्शे में बिठा कर हॉस्पिटल लेकर जाती है। जैसे ही चुड़ैल हॉस्पिटल पहुँचती है, डॉक्टर उसे पहचान लेते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल से बिना कुछ कहे ही अंजलि को ले जाकर उसका चेकअप करने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद डॉक्टर चुड़ैल के पास आते हैं और उससे कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बच्चा एकदम स्वस्थ है और माँ को थोड़ी सी चोट लगी है, हमने दवाई और उसका इलाज कर दिया है, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद चुड़ैल की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है, जिसके बाद डॉक्टर चुड़ैल से पूछता है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मैंने देखा है तुम अक्सर गर्भवती औरतों की मदद करती हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी इस हालत का क्या कारण है? ये कुछ समय पहले की बात है, मैं इसी गांव में रहा करती थी। मैं बहुत गरीब थी और मेरा पति एक शराबी था जो मुझे रोज शराब के नशे में मारा करता था। मैं उस समय गर्भवती थी लेकिन फिर भी मेरा पति मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया करता था। मैं अपने बच्चे को पैदा करने के लिए बाहर लोगों के घर में काम किया करती थी जिससे मैं कुछ पैसे कमा लिया करती थी, लेकिन रात के समय जब मेरा पति शराब के नशे में घर आया करता था तो वो मुझे मार पीट कर मेरे से सारे पैसे छीन लिया करता था। एक दिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा जिसकी वजह से मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी मर गया और मैं एक चुड़ैल बन गई। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ लेकिन फिर भी तुम बहुत अच्छी और साफ दिल की हो, तुम्हारे जितनी बहादुर चुड़ैल मैंने आज तक नहीं देखी। आज से मैं भी गर्भवती औरतों को सपोर्ट करूंगा और उनकी मदद करूंगा। तभी चुड़ैल को एक आइडिया आता है जिसके बाद चुड़ैल अंजलि को सावित्री के पास लेकर जाती है। जैसे ही सावित्री चुड़ैल को देखती है वो बहुत बुरी तरह डर जाती है, लेकिन तभी चुड़ैल उन दोनों से कहती है, तुम दोनों मुझसे डरो मत, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हारी जान बचाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस गांव की कमजोर और बेसहारा औरतों की मदद करो ताकि इस गांव में किसी औरत के ऊपर कोई अत्याचार ना हो। चुड़ैल की ये बात सुनने के बाद वो दोनों उसकी बात पर सहमत होती हैं, जिसके बाद वो दोनों औरतें अपनी खुद की एक यूनिटी शुरू करती हैं और बेसहारा और कमजोर औरतों की मदद करने लगती हैं। ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है और वो वहां से मुक्त होकर चली जाती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और उन हवाओं को चीरते हुए पांच चुड़ैल एक घर में घुस जाती हैं और एक 35 साल की औरत के इर्द गिर्द बैठकर उनसे बोलती हैं, सासू माँ, हम आपकी प्यारी बहुएं दोबारा से इस घर में आ गई। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चुड़ैल आ गई तुम फिर से? हे भगवान, तुम जीते जी तो मुझे सुकून से रहने नहीं देती थी, अरे अब तो तुम मर गई, कम से कम अब तो मुझे शांति से जीने दो। मैं जब भी मेकअप करने बैठती हूँ तभी तुम लोग आकर मुझे परेशान करने लगती हो। अरे माँ जी, हम आपको परेशान करने नहीं आते, बल्कि हम तो आपको सजाने के लिए आ रहे थे। वो क्या है ना, हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा आदमी और हमारे लिए ससुर देखा है। क्या? अरे ये क्या बोल रही हो बहू, सास जो होती है वो अपनी बहू को घर में लाती है और जब घर में बहू आती है तो बहू अपनी सास की सेवा करती है ना, कि बहू अपनी सास के लिए ससुर ढूंढती है। लेकिन सासू माँ, हमारा तो ससुर ही नहीं है, हमें भी तो ससुर का शौक है ना, भले ही हम अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन ससुर हमें भी चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ससुर देखा है। तो क्यों मम्मी जी, क्या आपको अपने होने वाले पति और हमारे ससुर की फोटो दिखाएं? अच्छा चलो ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो, अपने होने वाले ससुर की फोटो दिखा ही दो। वैसे मैं शादी करूंगी नहीं क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ही से प्यार किया था, लेकिन साला वो भी बेवड़ा निकला और पता नहीं कहां भाग गया। उसकी बात सुनकर चमेली अपने हाथों से जादू करती है और एक 40 साल के बुड्ढे की फोटो अपनी सास को दिखाती है। उसकी फोटो देख उसकी सास बिपाशा अपनी बहुओं से बोलती है, अरे अरे ये तो 40 साल का बुड्ढा लग रहा है, मैं कहां 35 साल की, अरे जैसे मेरा नाम है वैसा ही मेरे लिए मेरा होने वाला पति भी ढूंढो ना। अरे सासू माँ, आप तो खुद 35 साल की हैं, अगर आपसे बड़ा 5 साल का कोई है तो इसमें बुराई ही क्या है, अब हमें ही देख लो, हमारे पति भी तो हम लोगों से 3-4 साल के बड़े थे। मुझे मुझसे 5 साल का बड़ा मर्द नहीं चाहिए। अरे सासू माँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए 18 साल का लड़का ले आऊं। नहीं नहीं, वो तो बच्चा हो जाएगा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आपकी पसंद तो ऊपर वाला ही जाने, खैर सुबह होने वाली है, अब हम लोग अभी यहाँ से चलते हैं, रात को हम एक बार फिर वापस आएंगे। इतना कहकर बिपाशा की 5 बहुएं वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद बिपाशा अब अपने घर का काम करने लगती है। बिपाशा अपने घर में झाड़ू लगा रही थी कि तभी बिपाशा अपने पति को याद करते हुए खुद से बोलती है, शशिधर पता नहीं तुम कहाँ चले गए,
मैं तुम्हारी याद में आज तक रोती रहती हूँ, लेकिन मेरे ये आंसू किसी को ना दिखाई देते, इसलिए मैं हर वक्त मेकअप करती रहती हूँ। मेरे बेटे भी मुझे छोड़कर पता नहीं कौन से देश चले गए कि आज तक उन्हें अपनी माँ की याद ही नहीं आई। और एक मेरी बहुओं को देखो, बेचारी मर गई हैं, लेकिन मरने के बाद भी वो मुझे छोड़कर नहीं गई, उन्हें हर वक्त मेरा ख्याल सताता रहता है। इतना कहकर बिपाशा अपने कमरे में बैठ जाती है। कुछ समय बाद शाम के 7 बज जाते हैं और जैसे ही 7 बजते हैं वैसे ही बिपाशा की पांचों बहुएं उसके पास आ जाती हैं और अपनी सास को शीशे के सामने बैठकर मेकअप करता हुआ देख लाली बोलती है, सासू माँ लगता है आज आप फिर से रोए। आप क्यों रोती हैं? हम आपके लिए नया ससुर ढूंढ तो रहे हैं। अरे बहू, शशिधर की बात ही अलग थी। उनके जैसा प्यार मैं किसी को नहीं कर पाई, उनके लिए मेरी नजरों में बहुत ही इज्जत है। ये सुनकर सुंदरी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, मम्मी जी आप किस शशिधर की बात कर रही हैं? वो तो एक नंबर का नालायक और निकम्मा था। उस जैसे इंसान से आप प्यार कैसे कर सकती हैं? वो हमारे ससुर बनने के लायक ही नहीं है। सुंदरी तुम चुप हो जाओ, मम्मी जी को ये बात पता मत लगने दो। नहीं अब बहुत हो गया, आखिर सासू माँ से हम कब तक सच्चाई को छुपा कर रखेंगे? आखिर सासू माँ को भी तो पता लगना चाहिए कि उनका निकम्मा पति कितना नालायक था, जिसने नालायक की पद भी हासिल कर रखी है। बहू ये तू क्या बोल रही है? भला अपने ससुर के बारे में कोई ऐसा बोलता है? और चमेली तू किस सच की बात कर रही हो? मुझे सब कुछ बताओ। तो सुनिए, आज से 5 साल पहले जब हमारी मौत हुई थी, हमारी मौत कोई मामूली मौत नहीं बल्कि आपके पति शशिधर ने करी थी। जिस समय हम शादी करके इस घर में आए थे तभी आपके पति शशिधर की नजर हम पांचों बहुओं के ऊपर थी। और एक दिन जब हम सभी किचन में काम कर रहे थे तभी तुम्हारा कामचोर शशिधर किचन में आता और बोलता है, बहुओं मैं सोच रहा था कि तुम्हारी सास को अब अलविदा कर दूं क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। इस वजह से बिपाशा से तो ज्यादा आइटम मुझे तुम सभी दिखती हो। मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना दूं। तुम जैसे चिचोरे ससुर होने से तो ये अच्छा है कि हमारा कोई ससुर ही ना हो, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस तरह शशिधर और उन 5 बहुओं में हाथापाई होने लगी और हाथापाई में शशिधर चाकू उठाता है और एक एक करके सभी 5 बहुओं को मार देता है। उसके ऊपर उन 5 बहू की मौत का इल्जाम न लग जाए इसलिए वो खुद के घर में खुद ही आग लगा देता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। इस तरह आपके पति ने हमें मार दिया, तब से हम लोग आपकी सेवा करते रहते हैं और इसीलिए हम आपकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन हमने उस दिन ये प्रण ले लिया था कि जिस दिन हमें वो शशिधर मिलेगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे नकारा इंसान को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपनी पत्नी के साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद करे। अपनी बहू की बातें सुनकर बिपाशा फूट फूट कर रोने लगती है। एक तरफ तो बिपाशा रो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हवा में उड़ते हुए बिल्लियां आती है और बोलती है, तुम सभी को जिसका इंतजार था मैं उसको ले आई हूँ। अब हम अपना बदला पूरा करके अपनी सासू माँ की दूसरी शादी करवा कर यहाँ से आजाद हो जाएंगे। क्या मतलब? अंगूरी की बात सुनकर बिंदिया अपने दोनों हाथों को हवा में उड़ाती है और जादू से हवा में उल्टा लटकाते हुए शशिधर को ले आती है। शशिधर को देख वो चारों चुड़ैल बौखला जाती है। मुझे छोड़ दो बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। पहले तू अपना सच तो कबूल कर। हाँ मैंने ही इन सबको मारा है। शशिधर की बात सुनकर बिपाशा को गुस्सा आता है और वो अपनी बहुओं को उसके मारने का आदेश दे देती हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल शशिधर को एक भयानक मौत दे देती हैं। लो सासू माँ, फाइनली तुम विधवा हो चुकी हो, चलो अब दूसरी शादी कर लो क्योंकि शशिधर की सच्चाई आपके सामने ही थी। बिपाशा अपनी आंसू पोंछती है और अपनी चुड़ैल बहुओं से बोलती है, तो मेरी प्यारी बहुओं अब अपनी मॉडल सास के लिए कोई अच्छा सा इंसान देखो, तुम्हें भी अब अच्छा ससुर मिल जाएगा। बिपाशा की इस बात को सुनकर बिपाशा की चुड़ैल बहुएं ठाके मार मार के हंसने लगती हैं, जिसके बाद वो बिपाशा की शादी धूमधाम से करवा देती हैं और अब बिपाशा अपने दूसरे पति के साथ खुशी से रहने लगती है। तेज बारिश में शांति अपनी माँ की लाश को पकड़कर रो रही थी। मम्मा मम्मा आप कहाँ चले गए मम्मा? अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? आप तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं अपना ख्याल कैसे रखूंगी? मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। शांति अपनी माँ की लाश से ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसकी माँ की लाश में से उसकी माँ की आत्मा निकल जाती है
और वो एक चुड़ैल बन अपनी बेटी को बोलती है, बेटा शांति, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गई। भले ही मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी मैं तेरे साथ हूँ। तू चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं गई हूँ, तुझे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। अपनी माँ को चुड़ैल के भेष में देख शांति अब अपनी माँ को गले लगा लेती है, और इस तरह चुड़ैल अपनी बेटी को एक बड़े से पाइप के अंदर ले जाती है और उससे बोलती है, बेटा हमारे पास घर नहीं है, इसीलिए आज के बाद तू और मैं इसी पाइप के नीचे रहेंगे, लेकिन मैं तेरे साथ तब तक हूँ जब तक तू मेरे चुड़ैल होने का राज ही रखेगी। तू मुझसे वादा कर कि तू ये किसी को भी नहीं बताएगी कि तेरी माँ एक चुड़ैल है। हाँ माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप एक चुड़ैल हैं, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ को एक बार फिर से खोना नहीं चाहती। इतना कहकर चुड़ैल अपनी बेटी को गले लगा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी बेटी को पकड़कर उस पाइप में सो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही शांति अपने पास अपनी माँ को न देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और रोते हुए बोलती है, माँ माँ आप कहाँ हो? अभी रात में तो आप मेरे साथ ही थी, लेकिन अभी आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? शांति के इतना बुलाने के बावजूद शांति की चुड़ैल माँ उसके सामने नहीं आती, और इस तरह बेचारी शांति उस पाइप के अंदर ही अपने स्कूल के लिए तैयार होती और स्कूल चली जाती। कुछ देर बाद जब शांति का स्कूल खत्म होता है और वो स्कूल से अपने पाइप की तरफ आ रही थी, तब वो दुकानों पर तरह तरह के खाने के पकवान देखती है। उसे देख शांति के मन में अब लालच आ जाता है और वो दुकानदार के पास जाती है और उससे खाने के लिए मांगती है। दुकान वाले अंकल, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मुझे खाना बनाकर देने वाला कोई नहीं है। शांति की मासूमियत देख दुकानदार को उस पर तरस आ जाता है, जिसके बाद दुकानदार शांति को कुछ खाने के लिए दे देता है और वो खाने का सामान लेकर उस पाइप में रख देती है। जैसे ही शाम होती है, वैसे ही वो चुड़ैल दोबारा आ जाती है और अपनी चुड़ैल माँ को देख शांति बोलती है, माँ माँ तू कहाँ चली गई थी? तू तो माँ होने का फर्ज ही भूल गई है। तुझे कुछ पता भी है कि तेरी बेटी कहाँ भटक रही है और कहाँ नहीं? मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ रात के समय ही तेरे पास आ सकती हूँ, दिन में मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। उसकी बात सुनकर शांति अब उदास हो जाती है और चुपचाप दुकानदार के दिए हुए खाने को खाकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है, तब वो अपनी माँ को अपने ही पास पाती है। ये देखकर वो थोड़ी खुश हो जाती है और बोलती है, अरे माँ आपने तो कहा था कि दिन में आप मुझे नहीं दिख पाओगी, लेकिन आप तो मुझे दिख रही हो, ये कैसे संभव है माँ? बेटा अब मैं शक्तिशाली चुड़ैल बन चुकी हूँ, इसलिए मैं अब दिन में भी तेरे साथ रहा करूँगी। और इस तरह चुड़ैल अपनी बेटी को उस पाइप के अंदर स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। थोड़ी देर बाद शांति स्कूल में पहुंच जाती है और स्कूल से आते वक्त वो एक बार फिर दुकानदार से खाना लेते हुए अपने पाइप के अंदर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे, दुकानदार को उस छोटी बच्ची के ऊपर शक होने लगा और वो शांति को देख कहने लगा, ये छोटी सी बच्ची अनाथ है, आखिर ये रहती कहाँ है और ये स्कूल कैसे आ जाती है? कुछ भी हो, मुझे इस बच्चे का राज का पता लगाना ही होगा। इस तरह दुकानदार छोटी बच्ची का पीछा करते हुए उस पाइप तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि शांति के साथ कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। ये देखकर दुकानदार बहुत ही डर जाता है और डरते हुए खुद से बोलता है, हे भगवान, इस छोटी सी बच्ची के ऊपर तो चुड़ैल का साया है, आखिर मैं इस चुड़ैल को इस बच्ची से कैसे अलग करूं? मुझे इस बच्ची को इस चुड़ैल के साही से बचाना ही होगा। इतना कहकर वो दुकानदार भागते भागते एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उस छोटी बच्ची के पास आते हैं और उस पाइप में जाकर देखते हैं तो उस बच्ची के साथ चुड़ैल थी। ये देखकर तांत्रिक अपने गले में से रुद्राक्ष की माला निकाल कर मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तभी चुड़ैल बोलती है, कौन हो तुम और हम दोनों माँ बेटी के बीच में तुम क्या करने आए हो? क्यों हम लोगों को इस तरह सता रहे हो तुम? चुड़ैल,
हम तुझे सता नहीं रहे बल्कि तू इस छोटी सी बच्ची को सता रही है। आखिर क्यों कर रही है इस बच्ची के साथ ऐसा? क्यों उसका खून पी रही है तू? क्यों उसको इतना दुख दे रही है? मैं किसी बच्चे को दुख नहीं दे रही। शांति मेरी बेटी है। आज से कुछ महीने पहले मैं एक अनपढ़ औरत थी। इसी गांव में मैं अपने घर में अपनी बेटी के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। लेकिन यहाँ के जमींदार ने धोखाधड़ी से मेरी जमीन अपने नाम लिखा ली। हम दोनों माँ बेटी दर दर की ठोकरें खाने लगी। लेकिन कुछ लोगों को हमारे रोड पर भटकना भी पसंद नहीं था। एक बार की बात है, मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा भूखी थी और मैं अपनी बेटी के खाने के लिए इधर उधर भीख मांग रही थी कि तभी कुछ लड़के मेरी तरफ आते हैं और बोलते हैं, अरे वाह सुंदरी, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें भीख मांगने की क्या जरूरत है? तुम हमारा पेट भर दो, हम तुम्हारा पेट भर देंगे। मेरी बेटी भूखी है, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो दे दो, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो लड़के सीता की बात से हैरान होते हैं कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। ये सुनकर उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और उसके पास उसको छेड़ने के लिए आते हैं कि तभी सीता उनको थप्पड़ जड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो एक्सपायरी डेट वाला खाना उसकी बेटी के हाथ में थमाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ सीता देख लेती है। सीता पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उसको इस खाने में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी, इसलिए सीता ने वो खाना अपनी बेटी शांति को न खिलाकर खुद खा लिया, जिस वजह से सीता मर चुकी थी। तांत्रिक, इस तरह मैं मर गई। मुझे अपनी मौत का बदला चाहिए और सबसे बड़ी चीज, मुझे मेरी बेटी की परवरिश करनी है। तांत्रिक और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दुकानदार बीच में बोलता है, अरे सीता बहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मौत के पीछे के कातिलों को तुम्हारे हवाले जरूर करूंगा, लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम शांति बिटिया को छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि उसकी परवरिश अब मैं करूंगा। मेरी कोई औलाद नहीं है, शांति बिटिया को अब मैं पालूंगा। क्या तुम इस बात से सहमत हो? चुड़ैल दुकानदार की बातों से सहमत हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उन गुंडों को मार देती है और दुकानदार शांति को अपनी बेटी बनाकर रख लेता है। और ये देख चुड़ैल को अब एक शांति मिल जाती है और वहाँ से मुक्ति मिल जाती है और मुक्त होते हुए वो बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा। अब मैं यहाँ से शांति से मुक्त हो पाऊंगी। और बेटा शांति, आज से यही तुम्हारे माता और पिता रहेंगे। इनकी बात अवश्य मानना, क्योंकि आज मेरा मकसद पूरा हो गया और मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस तरह चुड़ैल को मुक्ति भी मिल गई और शांति को उसका एक छोटा सा परिवार भी मिल गया। शांति अब दुकानदार के साथ खुशी से रहने लगी। इवनिंग में चल रही हिस्ट्री की लेक्चर क्लास से उठकर सारिका आगे वाली बेंच पर बैठे आदि से कहती है, आदि तू बोर नहीं हो रहा है क्या? मत पूछ, आज ये बैटरी जान लेकर अपना लेक्चर खत्म करेगा। ये लेक्चर क्लास आज मुझे भी शहीदों के ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज न कराती। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। अबे लखफू जन्नू, हम कॉलेज में हैं। तुम दोनों एकदम स्वामी टाइप से बन के बैठे हो। चलो क्लास गुल करते हैं। वो दबे पांव क्लास से बाहर निकलकर कहते हैं, अब जाकर सांस आई है, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। अबे ओ पापा की परी, लाइब्रेरी तो ग्राउंड फ्लोर पर है, फिर ऊपर क्यों जा रहे हैं? आदि तू सवाल बहुत करता है, चुपचाप चल। तीनों चोरे छिपे कॉलेज के लास्ट फ्लोर पर सालों से बंद पड़ी लाइब्रेरी के पास आकर कहते हैं, आर यू गॉन मैड? पता है ना प्रिंसिपल सर ने किसी भी स्टूडेंट को यहाँ आने से सख्त मना किया है। देखते हैं आखिर इस लाइब्रेरी में ऐसा भी क्या सीक्रेट है। बट लाइब्रेरी का डोर तो लॉक है। मयूरा और सारिका लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं, पर आदि की हिम्मत लाइब्रेरी के दरवाजे पर ही जवाब दे जाती है। तभी सारिका कहती है, ये रही चाबी, मैंने प्रिंसिपल सर के केबिन में घुस कर इसको चुरा लिया था। चलो बड़ा मजा आने वाला है। तभी सारिका कहती है, चल ना स्टूपिड, डर तो ऐसे रहा है जैसे ये कोई भूतिया लाइब्रेरी हो। लाइब्रेरी के अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। लाइब्रेरी के अंदर सालों से जमी हुई धूल और बेरंग दीवारें उसको खौफनाक बना रही थी। तभी मयूरा डर कर कहती है, यार ये दरवाजा अचानक से बंद कैसे हो गया? रिलैक्स, हवा के तेज झोंके से बंद हो गया होगा, जब वापस जाना होगा तो खोल लेंगे। मयूरा और आदि लाइब्रेरी के ड्रॉअर से किताबें निकाल कर टेबल पर बैठकर पढ़ने लगते हैं। तभी सारिका कहती है, ओए मेरे अल्बर्ट आइंस्टाइन,
हम आईपीएस के एग्जाम हॉल में नहीं बैठे, इस लाइब्रेरी में फन करने आए हैं। सारिका दोनों हाथों से लाइब्रेरी की बुक छीनकर उसको जोर से फेंक देती है, मगर एक किताब टेबल से उड़कर हवा में रुक जाती है। ये देख उनके होश उड़ जाते हैं और फिर अचानक एक टीचर उनके सामने आकर गुस्से से कहती है, तुमने इस लाइब्रेरी के नियम तोड़े हैं। ये लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने के लिए है, मस्ती करने के लिए नहीं। वो एक दूसरे की शक्ल देखते हुए कहते हैं, दरवाजा तो बंद है, आप अंदर कैसे आई? ये लाइब्रेरी मेरी है, इसीलिए मेरे लिए यहाँ कोई पाबंदी नहीं, मैं जब चाहूँ आ और जा सकती हूँ। ऐसा सुनकर तीनों खौफ और पसीने से भर जाते हैं कि अचानक लाइब्रेरी की सारी किताबें एक दूसरे से टकराकर हवा में उछल पड़ते हैं और बत्तियां जलने बुझने लगती हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये हॉरर सिम्टम्स साफ बयान कर रहे हैं कि ये लाइब्रेरी एक भूतिया लाइब्रेरी है, इसीलिए ये सालों से बंद थी। भागो गाइस। तीनों दरवाजे की तरफ भागते हैं और टीचर गायब होकर दरवाजे के आगे चुड़ैल बनकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम में से कोई भी इस लाइब्रेरी से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तुमने लाइब्रेरी की शांति भंग करके अच्छा नहीं किया। चुड़ैल सारिका और मयूरा को वहीं ढेर कर देती है, पर अचानक दरवाजा खुलता देख आदि लाइब्रेरी से भाग निकलता है और चुड़ैल कहती है, सालों से मेरी आत्मा इस लाइब्रेरी में कैद थी, आज तुमने मुझे आजाद कर दिया, मैं इस कॉलेज को शमशान में बदल दूंगी। चुड़ैल उस भूतिया किताब के अंदर घुस जाती है और किताब से दो हाथ निकलकर लाइब्रेरी से बाहर चल पड़ते हैं। तभी आदि प्रिंसिपल के पास आकर कहता है, प्रिंसिपल सर, वो जो लाइब्रेरी सालों से बंद पड़ी थी, एक भूतिया लाइब्रेरी है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? कहीं तुमने उस लाइब्रेरी के दरवाजे को तो नहीं खोल दिया? गलती हो गई सर, सॉरी सर। ओह नो आदि, तुम्हारी इस बेवकूफी ने पूरे स्टूडेंट्स की जान खतरे में डाल दी है, हमें जल्दी से इस कॉलेज को खाली करना होगा। दोनों रात के अंधेरे में हॉस्टल के कमरों का दरवाजा खटखटाकर सभी स्टूडेंट्स को निकालते हैं और कॉलेज छोड़कर गांव की तरफ भागते हैं। फिर कॉलेज के मैदान में हवा में उड़ती हुई भूतिया किताब से चुड़ैल का आधा शरीर बाहर निकलकर घुर्राते हुए कहता है, आखिर कब तक बचोगे मुझसे? कल फिर लौटकर तुम सब इसी कॉलेज में आओगे, सब मरोगे। हमें फौरन ही मखना गांव के मोहनदास से मिलना होगा। सभी मखना गांव पहुंचते हैं और प्रिंसिपल हांफते हुए मोहनदास से कहता है, मुझे एक बार फिर आपकी मदद की जरूरत है, वो लौट आई है। क्या तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से हमने उस पर काबू पाया था? आखिर लाइब्रेरी में रहने वाली वो चुड़ैल है कौन? क्या कहानी है उस भूतिया किताब की? कहानी नहीं, एक डरावना सच है, जिसे बरसों पहले उस कॉलेज ने जिया था। हंसराज कॉलेज की सबसे होनहार विद्यार्थी थी स्वरा। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठी मन लगाकर पढ़ती थी। एग्जाम का रिजल्ट क्लियर होने पर क्लास में टीचर आंचल कहती है, वेरी गुड स्वरा, तुमने हर साल की तरह इस बार भी पूरे कॉलेज में टॉप किया है। मोहित और नील, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, 36 इंस्टीट्यूट पढ़कर भी तुम्हारे पासिंग मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से आए हैं। ये सुनकर दोनों गुस्से से बौखलाकर लाइब्रेरी में पढ़ रही स्वरा के पास आकर कहते हैं, अबे ओ घन चक्करों, अभी इसी वक्त लाइब्रेरी खाली करो जल्दी। आप कहाँ जा रही हैं स्वरा मैडम, यहीं रुकिए। लीव माई हैंड, मैंने कहा छोड़ो मेरा रास्ता। तूने लाइब्रेरी में घंटों टीपू सुल्तान बनकर अपने आप को तो चश्मिश बना लिया है, अब क्या हम भी तेरी तरह पढ़ाकू बनने के लिए आंखों पर चश्मा लगाएं या नंबर बढ़वा लें? दोनों से बहुत टॉर्चर करते हैं और गुस्से में आकर स्वरा उन्हें थप्पड़ जड़ देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चांटा मारा, आज इसी लाइब्रेरी में तेरा किस्सा खत्म होगा। दोनों से मौत के घाट उतारकर उसकी लाश लाइब्रेरी के एक बंद दरवाजे के अंदर डालकर भाग जाते हैं। मरते वक्त उसके हाथों में जो किताब थी उसकी आत्मा उसके अंदर कैद हो जाती है और दो दिन बीतने के बाद स्वरा चुड़ैल बनकर किताब से बाहर आकर कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी। भूतिया किताब से बाहर निकलकर चुड़ैल सभी को मारने काटने लगती है, जिसके बाद प्रिंसिपल गांव के मोहनदास के साथ मिलकर सिद्धियों से उस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। पर उस चुड़ैल को जड़ से खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है,
लेकिन वो बहुत कठिन है। अगर कोई लाइब्रेरी में पड़े चुड़ैल की लाश को जला दे तो वो लाइब्रेरी छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएगी, पर वो चुड़ैल ऐसा होने नहीं देगी क्योंकि वो खुद अपनी लाश की रखवाली करती है। मैं करूंगा उस चुड़ैल से छलावा करके। सभी हिम्मत जुटाकर कॉलेज आते हैं और आदि लाइब्रेरी में घुसकर जैसे ही चुड़ैल की लाश को बाहर निकालता है, चुड़ैल टेबल पर पड़ी किताब से बाहर निकलकर उसकी गर्दन उठाकर दूर फेंकते हुए कहती है, मैं इस लाइब्रेरी से कभी नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। चुड़ैल एक एक करके सभी को बेरहमी से घायल कर देती है। फिर मोहनदास उसे बांध कर कहते हैं, आदि जल्दी से इस लाश को जला दो, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक सकता। मैंने कहा छोड़ मुझे, वरना जान से जाएगा बूढ़े। आदि लाश के ऊपर केरोसिन तेल डालकर माचिस जलाने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल के द्वारा मचाई गई हवा के बवंडर से आग नहीं जलती। और आदि कहता है, स्टूडेंट्स जल्दी से सर्कल बनाओ ताकि हवा का बहाव कम हो। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स लाश के चारों ओर घेरा बना लेते हैं और आदि उसकी लाश को जैसे ही आग लगाता है, चुड़ैल जलकर मरने लगती है और किताब भी जलकर गायब हो जाती है। और चुड़ैल अंत में कहती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर अगर किसी ने भी इस लाइब्रेरी के नियमों का उल्लंघन किया तो मैं फिर लौट आऊंगी।